हेलो फ्रेंड्स, कुक विद सोनम में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए ये मैंगो सूजी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो जिसको कि बनाना बहुत ही आसान है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कप ये सूजी ली है, महीन वाली सूजी है, लेकिन इसको हम फिर भी पीसेंगे। और साथ ही इसमें मैंने आधा कप चीनी ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं, अगर आपको कम मीठा पसंद है या ज़्यादा तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। चीनी और सूजी को मैंने एक साथ पीस लिया है। और साथ ही मैं यहाँ पर एक बड़ा आम ले रही हूँ, आप कोई सा भी आम यूज़ कर सकते हैं। और इसको इस तरह से कट करके मैं ये एक जार में ट्रांसफ़र करूँगी, सेम जार में जिसमें कि मैंने सूजी और चीनी को पीसा है। और इसके पल्प को भी हम पीस लेंगे बिल्कुल बारीक, इसमें कोई भी चंक्स नहीं रहने चाहिए। और फिर जिस बाउल में हमने सूजी और चीनी के मिक्सचर को निकाला है ना, उसी में हम ये पल्प भी निकाल लेंगे। तो इसको देखिए, मैंने पूरा इस तरह से निकाल लिया है। और इसमें अभी कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। और मैंगो और जो मैंगो का पल्प है और ये सूजी और चीनी का जो पाउडर है ना, इसको आपस में ऐसे मिक्स करेंगे तो ये बहुत ही आराम से मिक्स हो जाएगा। देखिए कितने आसानी से मिक्स हो गया, इसमें किसी भी तरह के पानी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और इसको ढक के हम लोग 20-25 मिनट के लिए रख देंगे। 20-25 मिनट हो जाने के बाद हम इसको फिर से देखेंगे कि कितना थिक हुआ है। तो यहाँ पर 20-25 मिनट हो चुके थे, तो ये देखिए सूजी जो है वो हमारी फूलती है। तो ये देखिए कितना टाइट हो गया है ये मिक्सचर। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। एकदम से पूरा दूध ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो अगर मिक्सचर ज़्यादा गीला हो जाएगा तो वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल, करीब 4 स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल जो होना चाहिए वो हमारा किसी भी फ्लेवर का नहीं होना चाहिए। अगर कोई फ्लेवर होगा ना तो फिर वो केक में जो टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट नहीं आएगा और आपके केक का टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो ये बिना किसी फ्लेवर का ऑयल है जो कि मैंने यूज़ किया है। यहाँ पर आप बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर इनो का इस्तेमाल किया है। और इसमें थोड़ा सा दूध डाल के फिर से इसको मिक्स कर देंगे। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती हैं। तो अभी मैंगो का सीज़न ख़त्म होने ही वाला है, तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। इसको इस तरह से मिक्स करेंगे और इनो डालने के बाद देखिए ये बैटर जो है ये कितना फ्लफ़ी और कितना अच्छा हो गया है। तो अब वेट नहीं करना है, इस तरह का एक बर्तन लेंगे आप, कोई भी मोल्ड या कुछ भी कटोरी, कुछ भी मतलब ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरह का एक बर्तन लिया है और इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया है और इसमें बटर पेपर लगा दिया है, ऊपर से फिर से ऑयल से ग्रीस कर दिया है। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। साइडों में जो पेपर है ना, वो अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप नॉर्मल प्लेन पेपर लेकर उसमें ऑयल लगाएंगे ना, तो वो भी बटर पेपर के जैसे ही काम करता है। तो ये सारा का सारा जो बाउल का मिक्सचर है ना, वो इस बर्तन में ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे हाथ से थोड़ा सा सेट कर लेंगे ऐसे। तो ये देखिए कितने अच्छे से सेट हो गया है। अब इसमें अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर काजू बादाम और ये चिरौंजी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो टूटी फ्रूटी भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये सारी जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो इसके ऊपर अप्लाई कर दिए हैं। और अब इसको बेक करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर बेक करने के लिए मैं इडली पॉट का इस्तेमाल कर रही हूँ, साथ ही इसमें मैंने नमक डाला है जो कि मैं बेकिंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ। और इसको इस स्पून की सहायता से इसमें फैला दिया है और इसका ढक्कन लगा के इसको प्री हीट कर लेंगे करीब 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब इस तरह का एक स्टैंड लेंगे और इस इडली के बर्तन में रख देंगे और इसके ऊपर जो हमारा ये बाउल है ना, जिसमें हमने मिश्रण रखा है, उसको रख देंगे और इसको करीब 20 से 25 मिनट बेक होने देंगे बिल्कुल स्लो आंच में। तो 20 से 25 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। और मैं यहाँ पर एक टूथपिक ले रही हूँ, उसको इसमें पिक करके देखेंगे। और देखिए इसमें कोई भी मिश्रण हाथ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये केक जो है हमारा बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुका है, पक चुका है। तो इसे अब आराम से निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से निकालिएगा फ्रेंड्स ये, क्योंकि पॉट बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो
अब इसको निकाल के 2 से 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद हम अपना केक जो है वो इस बर्तन से निकाल लेंगे। तो आप छू के देखेंगे ना तो ये मिश्रण आपके हाथ में भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये केक बहुत अच्छे से पका है। और स्पंज तो आप देख ही पा रहे होंगे, जैसे मैं केक दबा रही हूँ तो कितना अच्छा फ्लफी लग रहा है। तो ये केक मैंने निकाल लिया है, और इसका पेपर भी हाथ से निकाल लेंगे, बहुत ही आराम से निकल जाता है। तो अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि कितना अच्छा, कितना सॉफ्ट, कितना टेस्टी बन के तैयार हुआ है। तो आप भी इसे एक बार इस तरह से बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और बताइएगा मुझे कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि मेरे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मैं आपके लिए ऐसी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।